Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? Hope आपकी हॉबी अच्छी चल रही होगी और आप सही से आपका टाइम स्पेंड कर रहे होंगे. तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि मरीन टैंक में जब फर्स्ट फेज इंट्रोड्यूस की जाती है तो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है. सबसे पहले गाइस, अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि है साइकिलिंग ऑफ योर मरीन टैंक रीफ टैंक, क्योंकि कोई भी टैंक में कोई भी फिश इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको टैंक की साइकिलिंग इम्पोर्टेंट है. अगर जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप जाके चैनल के ऊपर हाउ टू साइकिल योर मरीन और रीफ टैंक देख लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए और फिर वापस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. तो आज हम लोग चलेंगे और जानेंगे जब आपको फर्स्ट टाइम आपके टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके पहले क्या क्या चीज का प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके से फिश को बाई करना है. कहीं से भी आप जब इम्पोर्ट करते हो या फिर कहीं जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है. तो चलते हैं और जानते हैं सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट आप फिश लेके आए घर पे तो कभी भी कोई भी मोर्टिलिटी ना हो और ना ही कोई इन्फेक्शन उसके साथ में आपके टैंक में इंट्रोड्यूस हो. यस, आपके टैंक में कोई भी इन्फेक्शन अपने आप नहीं आता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके टैंक में अपने आप नहीं आता है, आप उसको लेके आते हो. सो आप जब भी कोई भी चीज लेके आ रहे हो अपने टैंक में तो वो टाइम पे ये सब चीज का प्रिकॉशन लेना है. तो चलते हैं गाइस, विस्तार से वीडियो में सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं. आप अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना. सबसे पहली चीज, जब भी आप अपने टैंक में कोई भी फिश इंट्रोड्यूस करें तो उसके पहले आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि आपका जो रीफ, आपका जो मरीन टैंक है वो प्रॉपरली साइकिल्ड हो. आप अच्छी तरीके से टेस्ट किट्स की मदद से आप अमोनिया नाइट्राइट लेवल देखिए जीरो पे आए, उसके बाद आपका टैंक सेफ है आपकी फिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए. आप कोई भी टैंक में फिश डालते हैं तो सबसे पहले फिश का साइज, आपका टैंक कितना बड़ा है वो देखिए, कितना बड़ा आपका एरिया मिलता है उसमें, वो हिसाब से आप फिश का साइज सेलेक्ट कीजिए. आप प्लानिंग कीजिए कौन से टैंक में आपको क्या साइज की मच्छी रखनी है और आप प्लानिंग से चलिए कब आपको कौन सी मच्छी इंट्रोड्यूस करनी है, क्योंकि आप एग्रेसिव फिश रखेंगे तो साथ में उसके दूसरी फिशेस नहीं रह पाएगी. तो आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कौन सी वैरायटी की फिशेस रखनी है, वो हिसाब से आप फिशेस को रखिए और वो हिसाब से आप चूज कीजिए, प्लानिंग कीजिए और फिर ही आप फिश का सिलेक्शन कीजिए. आपके मरीन टैंक में इनवर्टिबेट्स सही तरीके से होने चाहिए सो दैट कभी भी आपके टैंक में एल्गे का प्रॉब्लम ना हो. एल्गे की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप स्टार्टिंग में ऐसी फिशेस डालिए जो कि आपके टैंक में एल्गे ग्रोथ को कंट्रोल करे, क्योंकि आप हफ्ते में एक फिश को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो आपका टैंक का साइकिल चलते रहेगा, लाइट चलती रहेगी. वो हिसाब से आपको ऐसी फिश सेलेक्ट करनी है जो कि आपके टैंक में एल्गे ग्रोथ को कंट्रोल करे. टाइमिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, आप ओवर टाइम लाइट मत चलाइएगा. आपका अगर जो स्टार्टिंग में आप नई फिश इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो टाइम पे ना के बराबर लाइट को इंट्रोड्यूस कीजिए, या तो फिर अच्छी तरह की वैरायटी ऑफ फिशेस डालिए सो दैट आपके टैंक में एल्गे ग्रोथ सही से हो. आप अपने टैंक में फिश को जो खाना देते हो तो वो टाइम पे आप फिश को ओवरफीड ना कीजिए. ओवरफीडिंग करेंगे तो उसके कारण आपके टैंक में अमोनिया लेवल हाई होगा, नाइट्रेट लेवल हाई होगा, क्योंकि फूड वेस्ट होगा. जिस हिसाब से आपके टैंक में ज़्यादा मच्छी नहीं है तो आप खाना देंगे कि फिश को भूख लगी है, खाना दे देते हैं, वो गलती मत कीजिएगा. फिश को आप कम से कम जितना खाना देंगे उतना आपके टैंक में आपका टैंक का नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन रहेगा. आपके टैंक में अमोनिया ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आपके टैंक में नाइट्रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा.
टाइम वाइज जैसे जैसे आप फिश बढ़ाते हैं वो हिसाब से आप अपने टैंक में फीडिंग का टाइमिंग रखिएगा। कभी भी टैंक में कोई भी फिश लेके आते हैं तो उसके पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्वारंटाइन फिश को ही आप अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करें। राइट गाइस, कोई भी फिश लेके आए उसको सही से क्वारंटाइन कीजिए, क्वारंटाइन करने के बाद ही आप अपने टैंक में उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। तो चलते हैं गाइस, ये सब पॉइंट ध्यान रखते हुए हमने हमारे टैंक में किस तरीके से फिश को इंट्रोड्यूस किया प्रैक्टिकली। अब हमारे टैंक में फिश को डाल के ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो चुके हैं, तो फिश हेल्थी है, सही है, किस तरीके से हमने क्या क्या किया प्रैक्टिकली जानते हैं गाइस, क्योंकि हर एक इंसान वीडियो बनाता है, डाल देता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। तो चलते हैं गाइस, हमने हमारे टैंक में कैसे फिश को इंट्रोड्यूस किया वो चल के आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे टैंक के लिए न्यू फिश लेने के लिए, फर्स्ट फिश। यस गाइस, तो चलते हैं एंड जानते हैं फिशेस लेने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज का ध्यान देना है। हम लोग गाइस हमारी गाड़ी से जा रहे हैं, अगर जो आप जा रहे हैं अपनी बाइक से या फिर फोर व्हीलर से तो ध्यान दीजिएगा कि आप सेफ जाएं और आपकी फिशेस को भी सेफ तरीके से लेके आए। कभी भी कोई भी फिश सेलेक्ट करें उसके पहले ये चीज का ध्यान दीजिएगा आप कि फिश फीडिंग कर रही हो, फिश क्वारंटाइन हो, फिश के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स ना हो, फिश के ऊपर कोई फंगस ना हो, फिश को कोई इंजरी ना हो, और एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि फिश क्वारंटाइन हो, यानी कि सेम डे कहीं पे भी कोई भी फिश आए तो आप सेम डे ना लीजिए, उसको 3-4 दिन वहां पे रहने दीजिए। आप चाहिए तो पैसे दे दीजिए, बुक कर लीजिए, आप उनको बोलिए हमने पेमेंट कर दिया है, हम आपसे 3-4 दिन के बाद लेके जाएंगे। या फिर क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि वहां पे फिश मर सकती है तो वो बोलेंगे हम आपका रिस्क नहीं ले सकते हैं, सो आप अभी लेके जाइए, आपकी रिस्क आपके ऊपर है गाइस। क्योंकि एक शॉपकीपर जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, वो भी आपकी फिश को इतना नहीं संभाल पाएगा। लेकिन अगर जो आप रिस्क लेते हो तो आप क्वारंटाइन फिश को ही लेके जाइए घर पे, क्योंकि वो फिश आपके टैंक में जाके मरे उससे अच्छा है यहाँ पे क्वारंटाइन सिस्टम में वो अच्छी तरह से क्योर होगी और उसके बाद आपको एक हेल्थी अच्छी फिश मिलेगी। राइट गाइस, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि फिश लवर है हम लोग, हम फिश से बहुत प्यार करते हैं, तो वो फिश आपसे अच्छी तरह क्वारंटाइन नहीं होगी तो आप शॉपकीपर के यहाँ पे भी जिस भी स्टोर से आप ले रहे हैं वहां पे उसको अच्छी तरह से क्वारंटाइन करके ही लेके जाइए। हमने यहाँ पे दो फिश सेलेक्ट की है स्टार्टिंग में, जो कि है पैसिफिक सेल्फिन टैंक और एक येलो फॉक्स फिश जिसको रैबिट फिश भी कहते हैं। राइट गाइस, ये स्टिंग करती है, डेंजर है, लेकिन इसको किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से हैंडल करना है आज के वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। आप कभी भी फॉक्स फेस फिश को पकड़ें तो वो टाइम पे ये ध्यान दीजिएगा कि उसका जो अपर बैक साइड है जहां पे उसके स्टिंग्स होते हैं वो साइड कभी ना प्रेस करें, आप आराम से उसको पकड़ के आप नेट की हेल्प से आपके पैकेट में पैक कर दीजिए। जब भी आप फिश को नेट से पकड़ते हैं तो वो टाइम पे ये ध्यान रखिएगा कि फिश को ज्यादा रबिंग ना हो, यानी कि जब आप फिश को पकड़ें तो वो ज्यादा नेट के ऊपर घिसे ना, नहीं तो फिर उसके स्क्रीन के ऊपर स्केचेस आएंगे और उसको प्रॉब्लम होगी। सो गाइस, हम हमारे टैंक के लिए फिशेस लेके आ गए हैं जो कि है स्पेसिफिक सेल्फिन टैंक और येलो फॉक्स फिश। यस, ये दोनों और ऑलरेडी हमने एक पिंक एंथियास इंट्रोड्यूस की हुई है, तो चलते हैं गाइस इसको हम एक्लिमेट करते हैं। ये हमारे टैंक का जो टेम्परेचर है और ये पैकेट के अंदर पानी का जो टेम्परेचर है क्योंकि ट्रेवलिंग में रहा है, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को डालते हैं एक्लिमेट करने के लिए फॉर द टेम्परेचर, सो दैट ये टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर एक हो जाए। डालने के पहले कभी भी याद रखिएगा आपका जो पैकेट है उसको बाहर से फ्रेश वाटर से अच्छी तरह धो लीजिए, सो दैट कहीं पे भी आपने रखा हो जर्म्स कहीं से भी आते हैं, तो इसलिए आप अपने पैकेट को अच्छी तरीके से वॉश करके फिर अपने टैंक में इस तरीके से डाल दीजिएगा। इसको आपको कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है सो दैट टेम्परेचर जो पानी का और पैकेट का स्थिर हो जाए। जैसा कि हमने कहा आप 30 मिनट के लिए उसको एक्लिमेट करने के लिए छोड़ दीजिए टेम्परेचर को, हमने यहाँ पे 45 मिनट्स के लिए एक्लिमेट किया है गाइस। नाउ गाइस 45 मिनट्स के बाद हमारा
टैंक का और पैकेट का टेम्परेचर दोनों सेम हो चुका है। अब इसको हम लोग करते हैं अनपैकेज। ओके, जब आपके पैकेट का टेम्परेचर जो पानी का है और आपके पैकेट के अंदर जो फिश है वो पानी का टेम्परेचर एक हो चुका है, आपके पैकेट को आपको आराम से खोल लेना है गाइस। सबसे पहले हम लोग हमारी फॉक्स फिश, जो रैबिट फिश भी कहलाई जाती है, उसको हम लोग हमारे एक्लिमेट बॉक्स के अंदर डाल देंगे। आराम से इसको बेंड कीजिए और इस तरह से आप छोड़ दीजिए। ज्यादा ऊपर से आप मत छोड़ेगा क्योंकि फिश ऊपर से गिर सकती है पानी के अंदर और वो बकेट के अंदर उसको लग सकती है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ज्यादा हाइट से पानी को मत छोड़िएगा। आराम से ड्रिपिंग करने के टाइम पे आप आराम से इसको आपके बकेट के अंदर आराम से डालिए। इस तरीके से सेम तरीके से हम लोग हमारे स्पेसिफिक सेल्फिंग टैंक को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं पैकेट के अंदर। ये देखिए, थोड़े टाइम के लिए आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। रैबिट फिश के ऊपर स्टिंग होता है, इसको आप इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपर पोर्शन जो है उसका, वहां पे आप हाथ मत लगाइएगा। यस, ये दोनों फिश बहुत अच्छी है गाइस, क्योंकि हमारे टैंक में हमारी फर्स्ट फिश है, इसलिए हम लोगों ने रैबिट फिश जो कि फॉक्स फिश है और स्पेसिफिक सेल्फिन टैंक, दोनों बहुत अच्छी फिश है गाइस, जो कि हमारे टैंक में एल्गे को बढ़ने नहीं देगी। एक्लिमेट के लिए आप एक ड्रिपर ले सकते हैं। ड्रिपर के लिए जरूरी नहीं है कि आप 700-800 रुपए का ड्रिपर खरीदें एक्वेरियम स्टोर से। आप यहाँ पे एक आईवी सेट जो कि मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहां से जाके एक आईवी सेट ड्रिपर के लिए यूज कर सकते हैं गाइस। नहीं तो फिर जो देसी जुगाड़ है हमारा, जो हर एक घर में अवेलेबल है, इमरजेंसी में आपके पास नहीं है, एक मग लीजिए, एक कॉर्नर में एक छोटा सा होल कीजिए, सो दैट एक सेकंड के हिसाब से एक ड्रॉप गिरे, उस हिसाब से आप होल कीजिए और वो मग में पानी आपके टैंक का लीजिए। वो टैंक का पानी आप बकेट के कॉर्नर पे आराम से ऐसे रखेंगे और ड्रिप करेंगे। ये देखिए, टप 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 ड्रिप हो रहा है। अगर जो फास्ट ड्रिपर है तो आपको 2 घंटे के लिए ड्रिपिंग करना है, अगर जो स्लो ड्रिपर है तो 1 घंटे के लिए ड्रिपिंग करके आप एक्लिमेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 1 घंटे के लिए कम से कम ड्रिपिंग देना है आपके फिश को, जो आपके टैंक का पानी है उसका सैलिनिटी लेवल है और आपके जो पैकेट का सैलिनिटी लेवल है वो दोनों एक होना चाहिए। ये चीज का आप ध्यान दें, अगर जो आप जहां से फिश लाए हैं वहां पे समझो 4 से 5 पॉइंट कम है पानी, तो आपको कम से कम 3 घंटे के लिए ड्रिपिंग देना है। वो टाइम पे आप ऑक्सीजन मशीन का यूज कर सकते हैं टैंक में, आपके जो बाउल में जहां पे आप एक्लिमेट कर रहे हैं, जो बकेट में एक्लिमेट कर रहे हैं, वहां पे आप ऑक्सीजन मशीन का यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर मॉनिटर कीजिए, उसके साथ रहिए, वहां पे देखते रहिए फिश की कंडीशन, सो दैट आपको ऑक्सीजन मशीन की जरूरत ना पड़े। इस हिसाब से कम आपको 1 से 2 घंटे के लिए ड्रिपिंग करना है। 2 घंटे के बाद ड्रिपिंग होने के बाद आप अपने टैंक में अपनी फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रिपिंग किस लिए जरूरी है? ड्रिपिंग इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि हमारे जो स्टोर है जहां से हम फिश लेके आए हैं और हमारे टैंक का टेम्परेचर, हमारे टैंक का सैलिनिटी लेवल, हमारे टैंक के पैरामीटर्स सब इक्वल सही से सेटल हो जाए, सो दैट हमारी फिश स्ट्रेस में ना है। स्ट्रेस में आने के कारण फिश को व्हाइट स्पॉट होता है, तो इसीलिए आप अच्छी तरीके से क्वारंटाइन फिश लाएंगे, आप अपनी मच्छी को अच्छी तरीके से एक्लिमेट करेंगे, तो आपके टैंक में जाने के बाद वो स्ट्रेस में नहीं आएगी और वो अच्छी तरीके से एनवायरमेंट अपना लेगी गाइस। नाउ ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है गाइस हमारी फिशेस को एक्लिमेट करके। अब देखिए फिश की कंडीशन आप देखेंगे कि पहले जब आपने डाला था आपने एक्लिमेट बॉक्स में और अभी, तो फिश की मूवमेंट देखिएगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती करेगी, इस हिसाब से सही से एक्लिमेट हो जाएगी। उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ मग अपनी फिश को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। आप ये टाइम पे नेट मत यूज कीजिए, जितना हो सके कम से कम नेट यूज कीजिए गाइस। अब यहाँ पे हमने जो हमारा रिफ्यूजियम सेक्शन बनाया है, जो कि हमारा क्वारंटाइन टैंक भी है, उसके अंदर हम हमारी फॉक्स फिश को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम डायरेक्ट डिस्प्ले टैंक में नहीं डालेंगे गाइस, क्योंकि हमने क्वारंटाइन फिश ली है, लेकिन स्टिल फिर भी हम एक प्रिकॉशन लेंगे, जिसके लिए हम एक हमारे जो सम्प रहता है, हमारा जो एक सेक्शन रहता है जहां पे हम हमारी मच्छी को क्वारंटाइन कर सकते हैं, वो इसके ऊपर स्पेशली मैंने वीडियो बनाई हुई है गाइस। चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो जाके चेक कर लीजिएगा, सो दैट हम उसको डबल प्रिकॉशन के साथ हमारे टैंक में इंट्रोड्यूस करें।
यहाँ पे आपकी फिश अच्छी तरीके से क्वारंटाइन हो जाएगी एंड आपकी फिश अच्छी तरीके से रेडी रहेगी आपके टैंक में जाने के लिए। रिफ्यूजियम सेक्शन में आपकी टैंक फिश को इंट्रोड्यूस करने से एक बेनिफिट ये होता है क्योंकि यहाँ पे कोपोपॉड्स होते हैं, यहाँ पे एल्गे होती है, तो फिश अगर जो खाना खाने में डिले करेगी तो कोपोपॉड्स मासी श्रिम्स वो खा के यहाँ पे अच्छी तरीके से क्वारंटाइन हो सकती है गाइस। और अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सेम टाइम आप उसको निकाल सकते हो और अलग टैंक में, मेडिकल टैंक में उसको रख सकते हो। नहीं तो फिर अगर जो मेन डिस्प्ले टैंक में आप उसको इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वहाँ पे आपकी फ़िश को आपको पकड़ने में दिक्कत होगी, वहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप उसका ध्यान कैसे देंगे। तो इसीलिए छोटे टैंक में आप जो कि सम्प में एक एरिया ऐसा बनाइएगा जहाँ पे आप अपने फ़िश को क्वारंटाइन कर सकते हैं, या फिर आप एक अलग से सेक्शन रखिए क्वारंटाइन टैंक जहाँ पे आप अपने फ़िश को क्वारंटाइन करें। हमने हमारे रिफ्यूजियम में हमारी फॉक्स फिश और स्पेसिफिक सेल्फिन टैंक को एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया। उसके बाद हमने हमारे टैंक में हमारी स्पेसिफिक सेल्फिन टैंक और फॉक्स फिश दोनों को इंट्रोड्यूस किया गाइस। जब सेम टैंक के टेम्परेचर में, सेम टैंक के रिफ्यूजियम में वो रहेगी तो सेम पानी का एनवायरनमेंट है, तो सेम तरीके से जब आप अपने टैंक में से, आप रिफ्यूजियम टैंक से आप अपने मेन डिस्प्ले टैंक में उसको इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके टैंक में फिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉक्स फिश अपना रंग चेंज करती है गाइस क्योंकि वो स्ट्रेस में आती है। आप उसको पकड़ रहे हो तो वो टाइम पे ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि वो अपना कलर थोड़ा चेंज करेगी। फिश की कंडीशन जब आप उसको टैंक में डालते हैं तो वो टाइम पे आप ये देखेंगे कि फिश के जो फिंग्स हैं वो थोड़े दबे हुए हैं, दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस, क्योंकि आपने उसको नीचे से पकड़ा है और ऊपर डाला है। बट डोंट वरी गाइस, थोड़े टाइम के बाद वो अच्छी कंडीशन में हो जाएगी। ये देखिए थोड़े फिश फिंस को दबाती है, खोलती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं गाइस हमारे टैंक में हमारी फिश के क्या हालचाल है। हमने यहाँ पे सैंड गोभी भी इंट्रोड्यूस की है सेम तरीके से, क्योंकि सैंड गोभी और एल्गे ब्लेनी ये हमारे टैंक में सैंड को मेंटेन करती है और हमारे रॉक्स के ऊपर जो भी एल्गे आता है, हमारे टैंक में कोई भी अनवांटेड एल्गे आएगा तो उसके लिए एल्गे ब्लेनी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके ऊपर स्पेशल मैं आगे वीडियो बनाऊंगा गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कौन कौन सी फिश किस तरीके से इंट्रोड्यूस की है। ये पिंक एंथियास है गाइस, इसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से जो हमने आफ्टर 7 डेज हमारे टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हम आगे भी चले गाइस। यहाँ पे आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली 15 से 20 दिन में हमने क्या क्या किया, किस तरीके से प्रिकॉशन लिया और किस तरीके से इनका ध्यान दिया। 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे होने के बाद हमने हमारी फिशेस को फीडिंग दी गाइस। 24 घंटे के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया फिश की कंडीशन उसके फिंग से आपको पता चल जाएगी। तो अभी आप जो देख पा रहे होंगे उसमें आप देखिए हमारी सेल्फिन टैंक जो है स्पेसिफिक, उसके फिंग्स अच्छी तरह से खुले हैं। यस, तो वो अच्छी तरीके से टैंक में सेट हो चुकी है गाइस। नाउ आफ्टर 24 आवर्स आप अपनी फिश का कंडीशन देख सकते हैं। अगर जो फिश के बॉडी के ऊपर कोई वाइट स्पॉट आया है या कोई उसके ऊपर इक आया है तो उसके लिए आप एक रेमेडी है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू क्योर वाइट इक। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप फिश को इंट्रोड्यूस करते हैं टैंक में तो ड्यू टू स्ट्रेस व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, ड्यू टू स्टमक प्रॉब्लम व्हाइट स्पॉट आते हैं और व्हाइट इक आता है। तो उसको कैसे क्योर करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दी है, आप जाके 100% उसका क्योर आपको मिल जाएगा गाइस। नाउ आफ्टर 24 आवर्स हमने हमारे फिशेस को खाना दिया। खाना किस तरीके से देना है चलते हैं वो जानते हैं। हमने यहाँ पे हमारे फिशेस को, जो कि टैंक फिश है इसलिए यहाँ पे हमने ओशन न्यूट्रिशन का मरीन फ्लेक्स यूज़ किया है गाइस। इतना सा फ्लेक्स आपके फिशेस को आप देंगे क्योंकि हमने नीचे से ही उनको आदत लगाई है खाना खाने की। तो यहाँ पे आपके टैंक में जब आप फिश को खाना देंगे इस तरीके से आपको आराम से अंदर डालना है, क्योंकि फ्लेक्स है वो फ्लोटेबल फ्लेक्स है गाइस। तो ऊपर जाके वो आपके डायरेक्ट संग में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप उसको डिप कीजिए, थोड़ा सा अंदर डालिए या तो एक बाउल में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें फ्लेक्स को मिक्स करके फिर आप अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कीजिएगा फ्लेक्स को, तो आपकी जो फिश है अच्छी तरीके से खाएगी। ये देखिए
आफ्टर 24 आवर्स कभी भी कोई भी फिश को आप शिफ्ट करते हैं, कोई भी फिश को लेके आते हैं, तो 24 आवर्स के बाद ही आप अपने टैंक में फिश को खाना दीजिए। यस, सेम डे आप कहीं से भी कोई भी फिश को लेके आते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर के भी फिश हो, आप उसको नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद ही उसको खाना दीजिए, तो वो आपके टैंक में अच्छी तरीके से फीडिंग लेगी। नाउ हमारी फॉक्स फेस भी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, आप उसका कलर देख रहे हैं, प्रॉपरली येलो है और एक स्पॉट है। यस, जब ये अच्छी कंडीशन में रहती है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहती है और स्ट्रेस फ्री रहती है, तो इसका ये कलर होता है। अदरवाइज वो स्ट्रेस में रहती है तो जैसे आपने पहले देखा, ब्लैक स्पॉट्स के साथ में पूरे बॉडी के ऊपर वो अपना कलर चेंज कर देती है। गाइस, ओवर फीडिंग कभी मत कीजिएगा। आपने जितना खाना देखा उतना ही खाना आपको देना है। आप ये मत सोचिए कि फिश ने खाना नहीं खाया होगा, चलो दोपहर के बाद वापस और दे देते हैं। नहीं, मॉर्निंग में एक टाइम पे आप उसको खाना दीजिए। गाइस, स्टार्टिंग में आप जितना कम खाना देंगे उतना अच्छा आपके टैंक के लिए रहेगा। गाइस, आप ओवर फीडिंग करेंगे, आपके टैंक में अनवांटेड एल्गे पैदा होगा, न्यूसेंस एल्गे होएगा और आपके टैंक के अंदर नाइट्रेट और अमोनिया लेवल हाई होंगे। तो स्टार्टिंग में आपके टैंक में ज्यादा लोड ना हो बायोलॉजिकल, इसलिए आप कम से कम फूड दीजिए, आपके टैंक को मेंटेन रखिए। जितनी आप फिश ऐड करेंगे उतना आप अपने टैंक में ये समझ लीजिए अमोनिया ऐड कर रहे हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस गाइस, जैसे कि आपने सुना है ना कछुआ और खरगोश, तो डोंट गो फास्ट, आराम से चलिए, पेशेंस के साथ। मरीन हॉबी एक पेशेंस है, पेशेंस के साथ चलिए, सही से आपकी फिश आपके टैंक में रहेगी। गाइस, अब ये हो गया हमारा 8वें दिन का वीडियो। मैं आपको अब डायरेक्ट 15 डेज के बाद का वीडियो दिखाता हूँ। गाइस, हमारे टैंक में हमारे टैंक की कंडीशन क्या है, फिश की कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। 15 डेज के बाद हमने हमारे टैंक में माइशी श्रिम्स, ब्रेन श्रिम्स जो कि लाइव फूड है, वो हमने हमारे टैंक में दिया। गाइस, सो जैसा कि लाइव फूड होता है, लाइव फूड बहुत अच्छा होता है और फिशेस को भी बहुत पसंद है, तो जैसे ही हमने टैंक में लाइव फूड डाला, देखिए कितनी खुशी से आपकी सेल्फिंग टैंक और फॉक्स फेस और बाकी फिशेस अच्छी तरीके से लाइव फूड खाती है। यस, इट्स लाइक ए बिरयानी टू देम। हाँ, जैसे कि हमें बिरयानी पसंद है गाइस, इवन फिशेस को भी लाइव फूड बहुत पसंद है, और लाइव फूड देने के बाद आपके फिशेस की कंडीशन, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। बस ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि लाइव फूड जब आप दें तो उसमें थोड़ा सा विनेगर या तो फिर थोड़ा सा लहसुन जो रहता है उसका आप रस डाल दें। यस, गार्लिक, वो गार्लिक लिक्विड आप 2 ड्रॉप डालिए और उसके बाद लाइव फूड में मिक्स करके आप अपने टैंक में फिशेस को खाना दे सकते हैं। गाइस, फिशेस के लिए खाना कैसे बनाना है घर पे, उसके लिए भी मैंने गाइस वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। नाउ आफ्टर 15 डेज भी हमारे टैंक में कंडीशन अच्छी है फिश की, दे आर हेल्दी। इसी तरीके से आपको स्लो एंड स्टडी चलना है, आप आराम से, आप फास्ट मत होइए, आप ये मत सोचिए एकदम से मेरे को पूरा टैंक भरना है, नहीं, आप धीरे धीरे एक एक हफ्ते के बाद, 10-10 दिन के बाद एक एक फिश इंट्रोड्यूस कीजिएगा। आपका टैंक का साइज कितना बड़ा है वो हिसाब से आप फिश लेके आइएगा। एक मच्छी का जो साइज आप लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ही साइज के हिसाब से आप फिश को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, ना उससे बड़ी ना उससे छोटी, नहीं तो फिर वो दूसरी मच्छी को चेस करेगी, इसीलिए ये चीज का आपको ध्यान देना है। गाइस, इस तरीके से आप अगर जो अपने टैंक में फर्स्ट फिश इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके टैंक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपके टैंक में कभी कोई फिश की मोर्टेलिटी नहीं होगी। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, आपके टैंक में अच्छी अच्छी फिशेस इंट्रोड्यूस कीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, प्लानिंग कीजिए कौन सी फिश मुझे कब डालनी है, स्टडी कीजिए उसके बारे में। नहीं स्टडी करना है तो वीडियोज देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स बहुत सारे हैं गाइस, मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाइए देखिए कौन सी फिश को कब डालना है, किस तरीके से डालना है, कौन सी मछली नहीं डालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप नए हो तो आपको नॉलेज नहीं है कौन सी फिश डालना है कौन सी नहीं डालना है, आप क्लाउन कारपेट ये सब लेके आ जाएंगे। नहीं गाइस, आप पहले स्टडी कीजिए, कोई भी टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस करने के पहले, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो मरीन वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो,
आप उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर अपने टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस कीजिए। ये हॉबी बहुत अच्छी है अगर जो आप दिल से इसको करोगे तो, सो दैट आपके टैंक में कोई भी मच्छी ना मरे और आपको दुख ना हो। हॉबी आप अच्छी लंबी चला सकते हैं गाइस, इस तरीके से अगर जो आप प्रिकॉशन लेके रखेंगे तो गाइस। सो गाइस, होप आज का वीडियो आपको सही से समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं स्टूडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मैरिज लाइफ।